हेलो एवरीवन राधे राधे जय श्री कृष्णा जय माता दी कैसे हो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे से होंगे so आप आपके साथ शेयर करना चाहती तो प्लीज आप के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है वीडियो बहुत ही यूजफुल आज का वीडियो है और जो विग्नर है जिनको बिल्कुल मेकअप नहीं आता उनके लिए बहुत ही अच्छा है तो प्लीज वीडियो को फुल वॉच करिएगा और न्यू आते हो तो ज्वाइन जरूर करना ज्वाइन करना मत भूलना और लाइक भी देखने से पहले कर देना so, फिर आज का जो मेकअप है करवा चौतारा है काफी हमारी मतलब ऐसी बहनें हैं कि जिनको मेकअप नहीं आता है जैसे कि मैं बता दूं, गांव से मैं बता रही हूँ हमारे गांव में काफी लोग ऐसे हैं जिनको मेकअप नहीं आता है तो उनके लिए ही आज का वीडियो मैं उनके लिए ही आज का वीडियो मैंने बनाया स्पेशली ठीक है वैसे तो आज का जमाना ऐसा है कि मेकअप बच्चे बच्चे को आता है लेकिन बहुत से लोग फ्रेंड्स ऐसे हैं कि मतलब बहुत से ऐसे होती हैं कि मतलब जिनको बाजार जाना नहीं नहीं जा पाती हैं किसी रीजन से और गांव देहात से हैं तो मतलब इम्पॉसिबल होता है बाजार जाना उनको तो सोचती हैं अरे मेरे पास मेकअप नहीं है तो कैसे करें मेकअप क्या करें कैसे करें तो नो टेंशन कोई ताम झाम करने की जरूरत नहीं है मेकअप नहीं है सिर्फ बहुत ही और फ्रेंड्स मेकअप आज मैं ऐसे चीजों से करूंगी जिसके पास वो जरूर जरूर ही होगा सभी के घर में बिल्कुल जरूर होना चाहिए हर घर में होता ही है मुझे पता है तो so, आज का जो मेकअप है वो मैं दिखा देती हूं तो ये रहा दस का पाउंस पाउडर जो कि सबके घर में होता है ठीक है ये रहा दस रुपये का फेयर लवली पाउच ये भी हर किसी के घर में होता है और ये रही ₹5 की एब्रो पेंसिल नहीं होती है तो प्लीज मंगवा लेना तो हो गई ये पच्चीस रुपये ठीक है और ये रही हमारी लिपस्टिक जरूरी नहीं है आप लिपस्टिक महंगी लगाएं सस्ती लगाएं लिपस्टिक के भी मतलब कई प्राइस आते हैं हर चीज हर, हर मतलब प्राइस में आपको लिपस्टिक भी मिलेगी तो मेरी भी ज्यादा महंगी नहीं है ठीक है ज्यादा महंगी नहीं है तो बस आपको चाहिए इतनी चीजें मैं चार चीजों से करने वाली हूँ आज अपना मेकअप लुक क्रिएट वैसे क्रिएट कर लिया है तभी मैं सूट कर रही हूँ लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगी मैंने किस तरीके से किया है और फ्रेंड्स सिंदूर और ये बिंदी तो हर किसी के पास मतलब कोई जरूरी नहीं है कि नई नई लाना ही लाना है हर किसी के पास होता है और बस इसी चीजों से हम करेंगे और फ्रेंड्स मैंने जो नेकलेस पहना है इसके जो इयर थे बहुत भारी थे वो मेरे कान में लोड नहीं कर रहे थे और अगर मैं पहन लेती तो के लिए वो ऐसे हो जाते तो मैंने उनको स्किप करके अपना गोल्ड का ये मतलब हल्का फुल्का डाल लिया है सो तो कुछ नहीं पहना है So, चलो फ्रेंड्स ज्यादा बातें ना करते हुए अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं तो ठीक अपना अपना तो तो होती होती है थीके? कोई कहने वाली बात नहीं तो चलो so, friend, जब मैं ना मेकअप अपना लुक क्रिएट करने जा रही थी तो यहाँ पे लाइटिंग जो मेरे सामने एक मतलब बलब जल रहा था तो लाइट चली गई थी अचानक से और थोड़ा सा इसी वजह से धुंधला धुंधला सा आ रहा होगा तो इसके लिए इग्नोर करना लेकिन आ गई थी थोड़ी देर बाद में सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अप, अपने चेहरे पे लगा ली है फेयर लवली और फेयर लवली लगाने का भी तरीका अलग ही होता है क्योंकि हमें हाथ में एकदम से नहीं काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि मतलब हाथों में अपने पूरी रगड़ लेते हैं और फिर इसके बाद चेहरे पर अप्लाई करती तो उस वैसे ही नहीं करना है आपको सिर्फ़ अपने हाथों में थोड़ी सी लेनी है और पूरे फेस पे थोड़ी सी डब 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 करके और इसको पूरे फेस में आपको लगा लेनी है और अच्छे से इसके हल मतलब हल्के हल्के हाथों से ही लगाना है आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर है नहीं है कोई बात नहीं है कोई झंझट नहीं और आज के वीडियो में ऐसा है फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल सा मेकअप है ना कि आपको मतलब हमें ना फेस पाउडर की जरूरत है ना फाउंडेशन की ज़रूरत है ना कंसीलर मतलब कोई हमें महंगे प्रोडक्ट नहीं हमें चाहिए बहुत ही अच्छा इससे भी अगर चाहो तो मेकअप अच्छे से क्रिएट कर सकते हो तो यहाँ पे मैंने पॉन्स पाउडर ले लिया है इसको भी अच्छे से थोड़ा सा लगा लिया है इसको मैं अपनी जो मैंने क्रीम लगाई थी अब इसको मैं कर दूँगी अपने पौस पाउडर से, से सेट तो इसको भी अच्छे से हल्के हल्के हाथों से ही लगानी है ज्यादा मतलब ज़्यादा तेज तेज हमें अपने जो हमारे हाथ है ना वो बिल्कुल स्लोली स्लोली चलाने हैं बिल्कुल उनको रगड़ना नहीं है तेज तेज़ ठीक है इस बात पे हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि तेज तेज हमें बिल्कुल नहीं रगड़ मतलब जो चेहरे पर अपने हाथों को बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही इसको रगड़ना है आपको लग रहा होगा कि मैं तेज़ तेज कर रही हूँ बट ऐसा है नहीं बहुत ही मैंने हल्के हाथ चलाए हैं अपने फेस पे तो यहाँ पे फ्रेंड्स आ चुकी है लाइट तो आप लोग देख ही सकते हो तो इसके बाद मतलब बारी आती है एब्रो पेंसिल की है ना तो ऐब्रो पेंसिल है जो वो भी हमें बहुत ही हल्की हल्के हाथों से चलानी है एकदम से ब्लैक नहीं कर देना है मतलब ज़्यादा अगर आप तीस चलाओगे तो ऐब्रो है वो हमारी बिल्कुल जैसे कि वो आपने देखा होगा रामलीला वगैरह में जो काली एकदम से हो जाती है तो वैसी मुझे काली बिल्कुल नहीं चाहिए और ना मुझे ब्लैक ब्लैक पसंद है फ्रेंड्स मुझे बिल्कुल बस हल्की सी उसमें थोड़ा सा थोड़ा सा मतलब उसके उसमें टचअप देना है आप ये समझ लो बिल्कुल काली नहीं करनी है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं और यहाँ पे मैंने एब्रो पेंसिल अपने एब्रो में फिल कर ली है इसके बाद जो है वो बारी आती है हमारे लिपस्टिक की और कैमरे के सामने थोड़ा सा फ्रेंड्स नहीं बन रहा था मुझसे मैंने ले लिया है छोटू सा शीशा और बस उसी से मैं देख देख के मेकअप कर रही हूँ अपना और यहाँ पे मैं लगा लूँगी लिपस्टिक लिपस्टिक को भी बहुत अच्छे से बहुत मतलब इसको भी अच्छे से सेव से देना पड़ता है और बहुत ही आराम से और बिल्कुल मतलब जब मेकअप करें बिल्कुल सावधानी से आराम से करें ताकि हमारे लिपस्टिक वगैरह है वो कहीं पे मतलब बाहर ना निकले छह लेना है ना तो बहुत अच्छे से मेकअप वो ध्यान में रखते हुए करना है और यहाँ पे हमारी लिपस्टिक लग चुकी है जो हमारा नंबर है वो है जो मतलब सोना ही सोना लग रहा है मेरा फेस उसके बिना वो है बिंदी तो यहाँ पे मैंने ये दो रुपए का ये आता है बिंदी का जो पैकेट है सुरुचि सुरुचि क्या बोलते हैं सुरुचि का तो ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पर ये लगा लिया है मैंने और जिसके बिना पूरा श्रृंगार अधूरा है ठीक है उसको मैं अभी लगाऊंगी तो वो है सिंदूर तो अपना सिंदूर भी लगा लूंगी सिंदूर बिना बिल्कुल फेस अच्छा नहीं लगता है सिंदूर लगा लेते हैं तो फेस भी हमारा बहुत ही प्यारा मतलब अच्छा लगने लगता है देखने में तो फ्रेंड्स यहाँ पे अच्छे से मैं लगा लूंगी अपना सिंदूर और देख लो आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं लगाया है कि मैंने कंसीलर लगाया ये लगाया वो लगाया कुछ नहीं फ्रेंड्स और अपना मैं अभी ज्वेलरी पहन के आपको दिखाती सो फाइनली फ्रेंड्स ये रहा मेरा फाइनल लुक बताना कैसा लग रहा है और सच में बता रही हूँ फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा मुझे तो अच्छा लग रहा है बाकी का मुझे नहीं पता है और मैं कुछ ज्यादा ताम झाम नहीं करती हूँ सिर्फ कमी इसमें है करवा चौथ लुक है तो इसको ऐसे करना चाहिए हमें इस तरीके से इस तरीके से नेकलेस नहीं दिख रहा यार दिख तुम भी तो फेस बताना कैसा लग रहा है ठीक है बहुत ही सिंपल है सभी लोग कर सकते हैं घर पे ज्यादा पार्लर वालर जाने की जरूरत नहीं है किसी को घर पे बहुत अच्छा सा मेकअप अच्छा हो सकता है और अभी आधा अधूरा है बस इतना ही करूंगी ज्यादा नहीं करूंगी बहुत फ्रेंड्स इतनी मेहनत होती है इतनी मेहनत होती है मैं बता नहीं सकती हूँ इत, इत, इतना सा वीडियो बनाने में कितनी मेरी मेहनत लगी है वो मुझे ही पता है ठीक है नेल पेंट वगैरह मैंने सारी वो कर दी है स्किप फिर बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है और अब मुझे काम भी करना है काम करके तो वीडियो बना रही हूँ लेकिन फिर से बहुत से काम ऐसे हैं जो अभी करने हैं तो काम को यहाँ पे मेकअप वाले वीडियो में नहीं लाते हैं तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो प्लीज बताइएगा अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना न्यू आते हो तो ज्वाइन करना मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे ब्लॉग के साथ तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा टाटा बाय बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग जय श्री कृष्णा राधे राधे